Hey guys, good morning. Welcome back to a new vlog and welcome back to Mommy and Flurry Tale. क्यों क्यों गुड मॉर्निंग क्यों क्यों उसको बिस्किट चाहिए क्यों कैसे डाइनिंग टेबल पे बैठ के बिस्किट खाती है अपनी छोटी सी डाइनिंग टेबल पे मामा हेलो मामा गुड मॉर्निंग मामा फ्लरी और कियारा का खाना यहाँ पे रेडी करके रखा है फ्लरी का थोड़ा सा स्टमक अपसेट है इसलिए हम उसको अभी सिर्फ बॉयल्ड चिकन दे रहे हैं कोई वेजीज नहीं और सुबह उसने गैस का मेडिकेशन लिया है इसलिए थोड़ा गैप देके खाना खाएगी उसको नीनी से उठ के ही खाना चाहिए आज डेट है 17 जून और लास्ट दो दिन से ओवरनाइट वी आर फेसिंग हेवी रेनफॉल बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है एक तो मानसून आ गया है और उसके वजह से क्या हो गया है अंदर ये मैं दिखाती हूँ अभी इतना पानी भर गया है कि जो बैडमिंटन कोर्ट है और जो दोनों साइड में रास्ता है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहा है ये मैं बेडरूम के विंडो से और अच्छे से दिखा पाऊँगी ये है हमारे घर के एकदम हमारे फ्लैट के और ब्लॉक के सामने की हालत ऐसे पूरे ही सोसाइटी में है वैसे भी हम जहाँ पे भी रहते हैं बेहाला यहाँ पे पानी भरता है जैसे ही बारिश होता है ये प्रॉब्लम बहुत ही पुराना है कि बैंगलोर में इतना बारिश नहीं होता है थोड़ा बहुत बारिश होता है बट इतना पानी नहीं भर जाता है ये देखिए तो ये है पूरा सिचुएशन अभी घर से निकलना भी नामुमकिन है ब्लॉक से भी निकल नहीं सकते कार्स भी ऑलमोस्ट उसके व्हील्स 40% डूब गया है तो चलो हमारा एक चीज़ है कि यहाँ पे कवर्ड पार्किंग है और वो थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है बट वहाँ पे भी पानी भरेगा ऐसा नहीं है कि नहीं भरेगा बट कुछ भी ज़रूरत पड़े ना तो अभी ब्लॉक से निकलना भी मुश्किल है क्योंकि एक तो गंदा पानी है ऑफकोर्स ये गंदा पानी है और ऊपर से अभी जाएगा भी नहीं कि वो पानी में डूब डूब के जाए तो ये सब छोड़ते हैं अभी घर से निकलने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है फ्लरी के लिए मेडिकेशन सब कुछ घर पे ला के रखा है पता नहीं अचानक से उसका परसों रात से थोड़ा सा स्टमक अपसेट हो गया और परसों रात को वो उठ के दो तीन बार गई है कल शाम से थोड़ी सी बेटर है टच हो आज देखते हैं कैसे रहती है पूरा दिन और उसके ऊपर से हमें करना है कियारा का डीवॉर्मिंग भी और कियारा का वैक्सीनेशन भी पेंडिंग है तो देखते हैं वो सब कब कैसे चलता है ब्लॉग में तो ज़रूर शेयर करूँगी जो भी होगा जैसे भी होगा बट फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि आज मुझे कुछ भी ज़रूरत पड़े तो इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करेंगे वो तो था बट अभी क्या करेंगे हमारा बिग बास्केट का भी ऑर्डर प्लेस किया हुआ है पता नहीं ठीक है देखते हैं जो है उसके साथ थोड़ा डील करना पड़ेगा बट यहाँ से यहाँ पे जनरली हमने देखा है कि जो साइक्लोन आया था उसके बाद भी पंप करके पानी निकाला गया था तो हम श्योर कि आज भी वही वैसा ही कुछ होगा फ्लरी ने खा लिया है बॉयल्ड चिकन मामा अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है देखो इधर के देखो बीटी हो जो देखो है बॉबनी अभी फ्लरी ने तो ऐसा कभी नहीं देखा है पहले 6 ईयर्स में ऐसा नहीं देखा है तो वो बहुत ही शॉक्ड होके देख रही है कि क्या हुआ है ये इतना पानी पानी कहाँ से आ गया इतना पानी पानी हाँ मामा कहाँ से आ गया इतना पानी हाँ लग रहा है पूरा सोसाइटी फ्लोट कर रहा है पानी में दूसरे ग्रुप्स में फोटोज भी आ रहे हैं जो दूसरे टावर से लिया गया है उसमें तो दिख रहा है पूरा सोसाइटी मैं तो बस यहाँ का दिखा रही हूँ हमारे ब्लॉक के सामने बट पूरा सोसाइटी लग रहा है ऐसे पानी में फ्लोट कर रहा है तो हमारी फ्लरी ने तो खाना खा लिया है पर ये जो छोटी सी क्यू क्यू वी आर नोटिसिंग कि आफ्टर कियारा'स हिच साइकिल इज़ ओवर शी हैज़ लॉस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एपेटाइट और सुबह खाना नहीं खाना चाहती है तो एकदम जाके शाम के टाइम ही उसको भूख लगता है तो रात का खाना खाती है आफ्टरनून को मैं कुछ स्नैक्स देती हूँ तो वो खाती है बट सुबह का खाना बिल्कुल खाना नहीं जा रही है लास्ट 2-3 दिन से यही हो रहा है बिस्किट भी खा रही है बट ऐसा भी नहीं कि बहुत जोश से बहुत खुशी से 3-4 बार दो तो एक बार शायद खा रही है हमारा तो था कि आज कियारा को या कल कियारा को डीवॉर्मिंग करवा के फिर नेक्स्ट वीक वैक्सीनेशन करवाएंगे अब देखते हैं क्या होता है
पहले ये बारिश कब कम होता है देखते हैं। अभी नेक्स्ट वीक पूरा ही बारिश होने का चांसेस है, सो होपफुली द सिचुएशन विल नॉट बी लाइक दिस कि हम ब्लॉक से ही निकल ना पाए। ये बहुत ही अजीब सिचुएशन है। मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट हमारे लिए, बच्चों का तो हो गया, कियारा देखते हैं अगर आफ्टरनून को खा लेती है तो। खाना उठा के दीपांजन ने रख दिया है, तो हम भी आज बहुत ही सिंपल ब्रेकफास्ट करेंगे, चलिए बनाते हैं। तो ये है आज का ब्रेकफास्ट, रोटी गर्मा गर्म और उसके साथ आलू एंड अनियन फ्राई, आलू प्याज भाजा, और ये नहीं आया बकलावा, बकलावा आ रहा है। और जो मेन अट्रैक्शन है आज के ब्रेकफास्ट का वो है ये बकलावा बॉक्स। हमें ब्रेकफास्ट में ज़्यादा रोटी खाना पसंद नहीं है, बट आज और कोई ऑप्शन नहीं था तो इसलिए हम दोनों ही रोटी खा रहे हैं। बट आई कन्विंस दीपांजन की खा लो रोटी के साथ सब्जी, उसके बाद मिलेगा बकलावा। तो ये मैंने ऑर्डर किया था फ्रॉम अ कंपनी नेम्ड दी बकलावा बॉक्स। इनका ऑनलाइन बिजनेस है और कोलकाता बेस्ड है, बट पैन इंडिया में फ्री शिपिंग करते हैं। बहुत ही टेस्टी बाकलावा था। मैं तो थोड़ी सी टेंशन में थी क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है ये, इट्स 250 ग्राम्स ऑफ बॉक्स जिसका प्राइस है 750 रुपीज़। आप जिनको बाकलावा खाना पसंद है आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि हमारे देख के हमारे बैंगलोर के भी दो फ्रेंड ने ऑर्डर किया है। बट रियली टेस्टी बाकलावा, ऑलमोस्ट ऑथेंटिक, और बहुत ही क्विक शिपिंग था। दूसरे सिटीज में हो सकता है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगे, बट देयर शिपिंग टाइम इज स्टैंडर्ड शिपिंग टाइम 2 to 7 वर्किंग डेज। सो आई ऑर्डर दिस असॉर्टेड बाकलावा बॉक्स, दीज आर कैशू बाकलावा, दीज आर फिंगर बाकलावा एंड दिस इज पिरामिड बाकलावा। इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स के ही स्टफिंग है, सो बहुत ही यमी एंड टेस्टी है। इसको फ्रिज में आराम से 7 दिन रख सकते हैं, और जब भी खाना है उससे पहले बस 10 सेकेंड्स इसको माइक्रो कर लेना है। थैंक यू। तो अब बना बोरिंग ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना। अच्छा है, तुम बोल रहे हो तो अच्छा ही होगा। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लगुची। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के बाहर का नजारा एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमें तो टेंशन हो रहा है कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि पार्किंग में कार्स ऑलमोस्ट 60% पानी के नीचे जा रहा है, तो वही एक टेंशन है। और फोरकास्ट है कि रात को बारिश और ज़्यादा होगा, आज और कल से भी ज़्यादा बारिश होगा, क्योंकि ऑलरेडी बारिश सुबह जितना हो रहा था ना उससे धीरे धीरे बढ़ रहा है। एनीवेज बच्चे यहाँ से हिल नहीं रहे, आज मैं ज़्यादा कुछ खाना भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये पानी भर जाने की वजह से कल मेरी हेल्प नहीं आई थी, तो बहुत सारा बर्तन जम गया है। और आज वो आई है सोसाइटी में, नोटिस आए, मतलब जो नोटिफिकेशन आता है, और इसलिए आज आएगी तो वो बर्तन वर्तन साफ कर देगी, फिर उसके बाद देखेंगे। बट आज हम सिंपली लंच करेंगे कि क्योंकि चिकन खाबे है क्यों क्या एक क्या इमर्स होके देख रही है बाहर। एक्चुअली थोड़ा हलचल है कि हर कोई अपना स्कूटी अपना बाइक सब कुछ इधर उधर कर रहे हैं कि एटलीस्ट थोड़ा सा जो भी जगह थोड़ा सा हाइट में है वहाँ पे सब कुछ शिफ्ट कर दे। बट कितना शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जगह का ही सेम हालत है। वेरी गुड गर्ल, क्यों वेरी गुड गर्ल। हाँ, ऐसे अजीब कांड सिर्फ हमारी क्यू ही कर सकती है। सुबह से खाना नहीं खाया, अभी मैं डाइनिंग टेबल पे चढ़ा दी थी दोनों को बाहर देखने के लिए, और तब जाके खाना फिनिश किया यहाँ पे। एक्चुअली क्या है ना, उसको टेबल चेयर पे बैठ के खाना है, समझ गए। हाँ, उसको नहीं, अभी से वो नीचे नहीं खाएगी, उसको डाइनिंग टेबल चेयर पे बैठ के खाना है। ये क्या कांड है, क्यों मामा तुमको नहीं मिला, तुमको अभी थोड़ा कम कम खाना खाना है। बाबा बाहर लेके पानी में छोड़ दे, वो मजा करेगी, क्या कर लोगे, वो मजे से भागेगी। नहीं, फ्लैरी को थोड़ा गुस्सा आया है क्योंकि मामा ने उसको बिल्कुल भी चिकन नहीं दिया ना। चिकन नहीं दिया मामा उसको, तुम तो सकाले खेचो, क्यों नहीं दिया चिकन। फ्लैरी ने एक्चुअली खाया है सुबह और मैंने नहीं दिया क्योंकि उसको अभी हम थोड़ा खाना लिमिटेड दे रहे हैं, ठीक हो जाए पेट बहुत ही कम फिर खाना दे रहे हैं। क्योंकि बहुत ही कम, एकदम दो पीस छोटा छोटा, वो भी पहले मैं थोड़ा बड़ा पीस करता था, अभी छोटा छोटा पीस, दो पीस चिकन दे रहा हूँ मैं ताकि पेट खाली ना रहे, बट बहुत थोड़ा सा ही खाना जाए हम लोग।
शी नीड्स टू सस्टेन इट। हाँ, क्योंकि जब स्टमक अपसेट होता है तो खाना पेट खाली नहीं रहना चाहिए ताकि गैस ना फॉर्म करे, और डिहाइड्रेटेड भी नहीं हो जाना चाहिए, बट खाना बहुत लिमिटेड देने के लिए कहा है, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा मिल रहा है, उसलिए थोड़ा गुस्सा है। और अभी कियारा ने खाया ना उसके साथ, कल कल वो दिखाते हैं ना, कल वो लाए थे हम, तो ये कल लिया था हमने ऑडलाइट पेट। ये किसी भी पेट स्टोर में मिल जाएगा आपको, इंटास का आया ये। दिस इज लाइक द इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट बेसिकली, ORS जो हम ORS देते हैं ना, वही ये उनका सप्लीमेंट है। ये मैंने 4 पैकेट मंगवाया था कल, एक पैकेट को हमने 500 ml वाटर में डाल के कोशिश किया उनको थोड़ा थोड़ा देने के लिए, दोनों में से किसी ने भी नहीं लिया। खैर जो भी है, अभी तो 3 पैकेट है, रहने देते हैं ये, क्योंकि कभी काम आ जाएगा, ये तो अभी एक्सपायरी बहुत देर तक की है। बट तुम कितने पैकेट मंगवा रहे थे? 4 ही मंगवा, मैंने पहले मैंने सोचा 10 पैकेट मंगवा लेते हैं फिर मैंने बोला पहले देख लो बच्चे तुम्हारे बहुत नखरे वाले, हम स्टोर में नहीं जा पा रहे थे, ये जो बारिश चल रहा है, तो आई एक्चुअली टू हेल्प फ्रॉम स्विगी जेनी। सो मैंने पेट स्टोर में कॉल किया, पूछा कि ये है कि नहीं, फिर उसने कहा कि हाँ ये मिल जाएगा आपको, तो उसके बेसिस पे मैंने फिर स्विगी जेनी से ऑर्डर प्लेस किया, जो कि स्टोर में पिकअप करके यहाँ पे डिलीवर करके गया। आराम से बैठ गए, ये सीट तुमको पसंद है? दिस इज फ्लरी थ्रोन, फ्लरी न्यू थ्रोन। हाँ, डज फ्लरी लाइक इट? डज माय फ्लरी लाइक इट? फ्लडू, ओ फ्लडू फ्लडू, फोटो खींच रहे हैं वो देखो। हाँ, लोगों के शौक क्या है, अरे पानी में खड़े होके कार के सामने एकदम आके फोटो खींच के इंस्टा में जाएगा, खुद पानी में डूब के कार के डूबा हुआ पिक्चर ले रहे लोग। सही है बॉस। पता नहीं यहाँ पे तो ऑयल लग रहा है ये तो मुझे। हाँ, यहाँ से कहाँ से पता नहीं पूरा कलरफुल ऑयल निकल रहा है। कलरफुल ऑयल नहीं, ऑयल जब पानी में मिल जाता है तो ऐसे ऐसे कलर हो जाता है। हाँ, ये नहीं पता था, पेट्रोल डीजल कुछ तो होगा ना, तो ऐसे ही हो गया वो। किसी के कार से तो निकल रहे, हमारा तो नहीं पता, नहीं पता चला, इतने बात करते करते हमारे कार का खाली हो गया टंकी। देख लो पहले, बारिश तो बंद नहीं हो रही है, सिचुएशन आप लोग अभी भी देख सकते हो, पानी जितना था उससे बढ़ रहा है। और एक यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रे बेबीज़ हैं, तो उसमें से एक ये है, ये हमारे ब्लॉक के आसपास रहता है, तो ये आज बिल्कुल फंस गया है, वो पानी के डर से कहीं नहीं जा पा रहा है, तो उसको बस थोड़ा सा दीपांजन जाके बिस्किट और चिकन दे रहा है। उसको वहाँ से रेस्क्यू करके लेके जाए भी तो कहाँ पे जाए, क्योंकि चारों तरफ पानी है, वो जिस जगह पे है वो आई गेस सेफ है, हमारे ब्लॉक के नीचे अंदर भी पूरा पानी घुस गया है, तो उसको वहाँ पे भी नहीं रख सकते और रखने देंगे भी नहीं, तो इसलिए तुम आराम से आना दीपांजन, चप्पल बिना चप्पल के गया है। हाँ, ও এখনো খাবার খুঁজছে, ও বেচারা, উসকো শায়দ আর ভুখ লাগা থা, অভি ভি ঢুঁড় রাহা হ্যা খানা। ইয়ারা দেখেগি তো বওয়াল খড়া কর দেগি, ইসলিয়ে দোনো কো হাম আন্দর রাখে হ্যা ডোর বন্ধ করকে, নাহি তো ভক ভক কে উসকো ভাগা দেঙ্গে ইয়ে দোনো। হাম লোগ বহুত টাইম সে উসকো দেখ রহে হ্যা কি বেচারা আজ ইয়াহা পে ফাস গিয়া হ্যা, কিউকি ও ইসি এরিয়া পে রহতা হ্যা, আর ওয়াহান সে রো ভি রহা হ্যা হাম দোনো কো দেখ কে,
बट वही सोच रही हूँ उसको उठा के कहाँ लेके जाऊँ, घर पे तो नहीं ला सकती, ये दोनों तो पता है आप लोगों को टिकने नहीं देंगे। चलो उसको भूख शायद और थोड़ा सा खाने की ज़रूरत है, मैंने बिस्किट और चिकन दिया था, तो देखते हैं वो शाम तक यहाँ पे रहता है तो शाम को भी कुछ अरेंज करके दूँ। हम इंसान सोचते हैं कि प्रॉब्लम हमारी है बट एक्चुअली सब प्रॉब्लम में है। धो लिया तुमने हाथ पैर अच्छे से? क्या सिचुएशन है बाहर पार्किंग में गए थे? बहुत ही घटिया सिचुएशन है, मेरा तो एकदम नी तक पानी था और उससे भी ज़्यादा मुझे खतरा इसलिए लग रहा था, मैं थोड़ा सा डर भी गया था जब मैं नीचे से चल के जा रहा था, मतलब नीचे में था हमारे अपार्टमेंट के नीचे जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो जो डर मुझे जिस बात की लगी वो है कि जो वाटर लेवल है वो अगर यहाँ पे अगर वाटर लेवल है तो यहाँ पे एक मीटर है, हाँ इज दैट क्लोज, द गैप इज़ वेरी नैरो, तो मुझे लगा कि पता नहीं अभी क्या लोग देख भी रहे हैं नहीं देख रहे हैं पता नहीं, हमें वाटर में कुछ भी हो जाएगा ना तो बहुत ही प्रॉब्लम सिचुएशन हो जाएगी। और वो वहीं पे बैठा है अभी भी एक एक पैर नीचे दे के देख रहा है पानी कम हुआ है कि नहीं, बट उससे नीचे नहीं आ रहा है, वहीं पे है बेचारा कैसे फंस गया है। मामा तो फ्रेंड है इसके बाहर गोगो फ्रेंड गोगो क्यों गोगो है इसके और बीचन बिट्टी मध्य आटके गए थे हैं क्यों क्यों क्या होगा क्यों क्यों वो पानी में अटक गया है उसको लेके आए क्यों क्यों तुम रहने दोगी उसको हाँ क्यों क्यों उसको लेके आए हम घर पे पापा। तो नहा धो के मैं आ गई हूँ फाइनली लंच प्रिपेयर करने, जैसे मैं बोल रही थी आज हमारा एकदम सिंपल लंच है बट बहुत यमी लंच है एंड वी बोथ आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि आज हम खाएंगे सिंपल प्लेन राइस, उसके साथ हिल्सा फिश को बस फ्राई कर लेंगे एंड हिल्सा फिश को तेल में जब हम फ्राई करते हैं तो वो खुद भी एक तेल रिलीज करता है, वो सिर्फ रॉ अनियन एंड ग्रीन चिली के साथ थोड़ा सा नमक डाल के गरम राइस में जस्ट हेवन, जो भी बंगाली व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है ये स्वाद, और जो बंगाली नहीं है बट जिनको फिश खाना बहुत पसंद है आई एम श्योर उन्होंने हिल्सा फिश तो कभी ना कभी ट्राई ज़रूर किया है, तो हिल्सा हमारे लिए एक बहुत ही एग्जॉटिक फिश है तो उसको हम हर एक तरीके से खाने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम मैंने सरसों से बनाई थी, इस बार जो लास्ट चार पीस है उसको मैं ऐसे फ्राई करके खा लेंगे, आज और कुछ नहीं बना रही हूँ। और हाँ उसके साथ और भी एक बहुत स्पेशल चीज़ है दिखाती हूँ, क्योंकि तेल गर्म हो गया है पहले फिश को छोड़ देती हूँ। मतलब ये हिल्सा फिश का ऑयल और सुबह सुबह ये जो हमारे रोटी के साथ जो भी बना था आलू का सब्जी बहुत ही अच्छा हुआ था, और ये तो दो मुझे दो और बात नहीं कर सकता मैं अभी तो दे देता तो खा ही लूंगा मैं। जिस दिन तू चार पांच टाइप के भी आइटम्स बनाते हो ना उस दिन भी मुझे इतना भूख नहीं लगता जितना मुझे आज लग रहा है, क्योंकि दीपांजन को एक्चुअली हिल्सा फिश उसको बहुत पसंद है, वन ऑफ हिज फेवरेट्स हिल्सा फिश, उसके बाद सैमन। और एक जो चीज़ के बारे में बोल रही थी वो है ये घी, दिस इज मॉर्टन ब्रांड घी, ये हमारे वेस्ट बंगाल का बहुत ही फेमस एंड ब्रांडेड घी है, बेंगलोर में मैं इसके बारे में बहुत बात करती थी और इस बार इसका एकदम हाफ के जी का ये डब्बा मैंने ले लिया है, क्योंकि छोटा छोटा डब्बा जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो दीपांजन ने बोला सुबह सुबह उसने बोला थोड़ा सा घी का स्मेल मुझे दो तो देखता होगी सूंघ के बता दोगी कैसा घी है, तो वो जब से सूंघा है तब से ही मुझे बोल रहे आज कुछ खाना मत बनाना हम बस गर्म राइस के साथ सब कुछ खाएंगे तो थोड़ा सा घी भी खा सकते, तो हम जल्दी जल्दी लंच कर लेते हैं क्योंकि मैं फ़ैन ऑफ करके बात कर रही हूँ और फ़ैन ऑफ करके खाना बस पॉसिबल नहीं है, बाहर कितना भी बारिश हो गर्मी फिर भी है, तो इसके बाद फिर मिलती हूँ खाना खाने के बाद। डैडी अरे निनी हो ही गई से डैडी ए छोटा निनी हो गई से
गुड इवनिंग गाइस, हम लोग थोड़ा रेस्ट लेके उठे हैं और बाहर अभी भी सेम हालत है क्या या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? एक इंच पानी नीचे गया ये सुनने में आया मुझे लोगों ने। एक इंच क्या हुआ? पानी नीचे गया एक इंच। रियली? बस एक इंच इज नथिंग। चलो देखते, नो विजिबल डिफरेंस। अब एक इंच कैमरा में पता चलेगा कि नहीं, वो नहीं पता। फिलहाल हमारी क्यू क्यू जा रही है सुसु करने, बट सुबह आफ्टरनून के बाद और बारिश नहीं हुआ है तो पानी निकल जाना चाहिए, पता नहीं क्यों। वेरी गुड गर्ल क्यू क्यू, वेरी वेरी गुड गर्ल। एक इंच पानी देखते कि जैसे था वैसे ही है, कोई विजिबल डिफरेंस नहीं होगा। क्या हालत है, कैसे कल कोई जरूरत सामान लेने भी जाना होगा रात को किसी को जरूरत पड़े तो? और सबने अपना कार बाइक जो जहाँ पे हो सके ना इस एरिया के आसपास पार्क कर दिया है। ridiculous. तो वो रोटी वाली दीदी ने कॉल किया था, वो आज रोटी नहीं दे सकती। सही है, ये तो पता ही था हमें। हाँ, क्योंकि इतने पानी में उन्होंने कहा कि मैं कैसे भेज सकती हूँ अपने बेटे को, तो पॉसिबल नहीं है दीदी, आज मैं रोटी बना भी नहीं रही हूँ। मैंने फिर भी शाम तक वेट किया कि अगर थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो दे देंगे, बट नहीं दे पाएंगे आज, तो आप प्लीज़ कुछ मैनेज कर लो, कल सब ठीक हो जाएगा तो मैं फिर रोटी भेज दूँगी। तो अभी कुछ बनाना पड़ेगा रात को, और आज सुबह से दीपांजन बोल रहे हैं खिचड़ी के बारे में, तो रात को सिंपल खिचड़ी ही बनाऊँगी सोच रही हूँ, बट आज मूंग दाल वाला उतना हैवी खिचड़ी नहीं, आज मसूर दाल वाला हल्का खिचड़ी बनाऊँगी। खिचड़ी लेके हमारा डिनर, और रात को जनरली हम नीचे ही बैठ के खाते हैं क्योंकि हम उसके साथ टीवी देखते हैं, सो वी आर वॉचिंग वर्डिक्ट ऑन Z5। एंड यहाँ पे है क्यूक्यू। क्यूक्यू आज काफ़ी बोर हो रही है क्योंकि मैं दरवाज़ा वरवाज़ा सब बंद करके रखी हूँ, बारिश फिर से स्टार्ट हो गया है शाम से, पानी बिल्कुल भी नीचे नहीं गया बट फिर से बारिश हो रहा है, मतलब पता नहीं क्या होगा कल सुबह, इट्स गोइंग टू बी अ कम्प्लीट डिज़ास्टर। और मैं इतना बारिश हो रहा है इसके डर से कुछ अंदर आवाज़ है इसलिए मैं दरवाज़ा बंद करके रखी हूँ। अभी अच्छा बना है ये खिचड़ी, दीपांजन को बहुत पसंद है जो मसूर दाल की खिचड़ी बनती है जिसमें अनियन पड़ता है, वरना मूंग दाल की खिचड़ी बिल्कुल हम वेज बनाते हैं, तो ये उसको अच्छा लगता है। एनीवेज देखते हैं इसके बाद रात को और क्या होता है। अभी हमारा वही टेंशन है कि कार के अंदर पानी वानी घुस गया तो, इंजन में पानी घुस गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। फ्लरी को क्या चाहिए? कुछ नहीं मिलेगा। मैं बस थोड़ा बाहर निकली हूँ ये देखने के लिए कि नीचे कितना पानी भर गया है ऑलरेडी। तो ये है हमारी सीढ़ी स्टेयर केस के, यहाँ तक फिलहाल पानी है, किसी का जूता वूता फ्लोट कर रहा है वो है लिफ्ट, और वो जो जगह है उसमें मीटर बॉक्सेस है, तो पानी और थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो शायद इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर दिया जाएगा। और इतना गंदा स्मेल है, आई कांट टेल यू, लग रहा है कि कोई गंदे नाले के पास खड़ी हूँ, इतना गंदा सा स्मेल है क्योंकि ये पानी सुबह से जमा हुआ है और बिल्कुल स्टैगनेंट वाटर है, तो इतना गंदा बदबू आ रहा है एंड दिस इज स्केरी। मैं कोलकाता में वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है मुझे पता है, मैं बचपन से यहीं पर पली बढ़ी हूँ, बट जहाँ जहाँ पे मेरा घर था थैंकफुली मैंने वहाँ पे कभी भी ऐसे सिचुएशंस फेस नहीं किया है कि ऐसे पानी जमा हुआ रहना और कोई कुछ नहीं कर रहा है उसमें, ऐसा कभी नहीं हुआ है। एंड दिस इज़ रियली स्केरी क्योंकि आपने देखा कि सीढ़ी का भी दो स्टेप्स पानी के नीचे, मतलब मैं बस सोच रही लिफ्ट तो बंद है चलो सुबह से, कि किसी को भी कुछ भी ज़रूरत पर इमरजेंसी हो तो हम यहाँ से निकल के जा भी नहीं पाएंगे कहीं पे। आज वही पापा से बात हो रहा था कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम कार लेके वहाँ पे भी नहीं जा सकते क्योंकि कार भी एकदम पार्किंग में भी पानी भर गया है, और कार को स्टार्ट करके एकदम बाहर तक लेके जाना वो भी कितना सेफ होगा, कार कहीं बीच रास्ते पर बंद हो जाए तो वो सब रिस्क तो है। और हम दोनों का ही मूड बहुत ख़राब है क्योंकि हमें लगा था
कि बारिश बंद हो गया है, चलो आज रात से कुछ होगा, बट हाँ फोरकास्ट था बारिश का, बट अभी तो बिल्कुल कल जैसा ज़ोरदार बारिश शुरू हो गया है, एकदम ज़ोरदार बारिश हो रहा है। And just as yesterday, if this continues this night as well, then we are in complete soup. क्या बोलते हो? हाँ, मेरे को main tension अभी इस बात का हो रहा है क्योंकि वो water level rise हो के अगर if it blocks the meter and electricity, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। मैंने आपको वही meter box दिखा, वहाँ से बस और इतना सा बाकी है पानी भरा। बस मैं बस भगवान से प्रे कर रही हूँ कि आज रात को बस बारिश बंद हो जाए और बारिश नहीं चाहिए। कोई आइडिया नहीं था कि एक रात ऐसे कंटिन्यूसली बारिश होगा तो उसके बाद ऐसे सिचुएशन होगा। पूरे दिन जिस दिन साइक्लोन हुआ था पंप करके पानी निकाला गया था, आज पूरा दिन चला गया। एक्चुअली सच बताओ तो 10 o'clock के बाद इतना हैवी रेन हुआ भी नहीं, फिर रात को 9 बजे 9:30 बजे चालू हुआ, बट इसके बीच में किसी ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ के जो मेंटेनेंस है वहाँ से ये पानी निकाला जा सकता था। ये सोचना चाहिए था कि अभी सैटरडे तक पूरा बारिश का फोरकास्ट है तो पानी बढ़ेगा। अगर पानी स्टैग्नेंट होकर रहता है और फिर से बारिश होता है तो सिचुएशन इज़ गोइंग टू गेट वर्स, बट पता नहीं हम क्या करेंगे। मुझे बस मन कर रहा है मैं यहाँ से बस भाग जाऊँ अभी। सो गाइस, ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ क्योंकि मेरे सच में अभी और मूड नहीं है कुछ भी इस ब्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट। टेक केयर, स्टे हैप्पी, गुड नाइट, बाय बाय।